इस तरह से खाद देने के बाद दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे बढ़िया से पानी। और पानी डालने के बाद हमें रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी थोड़ी इससे ऊपर से सूखने लगे तभी पानी डालेंगे। आइए पानी डाल के दिखाते हैं। खूब अच्छे से हम इसमें पानी दे देंगे। अगर इतना करते हैं दोस्तों तो लहसुन की बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि इससे आपको दोस्तों को अच्छी जानकारी मिल सके। एकर इलाज करने को पड़त मार कीड़ा लगा। धन्यवाद दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं एसके टेरिस एंड गार्डन टिप्स। आज हम आपको लहसुन के बारे में कुछ बात करेंगे कि लहसुन की देख रेख हम कैसे कर सकते हैं जो इस तरह से मोटे मोटे तने हों। क्योंकि जब लहसुन में ये तने मोटे होंगे तभी जो है लहसुन की साइज जो बैठती है वो ज़्यादा बेहतर और स्ट्रांग बनेगी। तो लहसुन के कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके हम पॉट में भी, इस तरह के पॉट में भी अच्छे लहसुन पा सकते हैं। तो लहसुन की हर 10 से 15 दिन पे कुड़ाई करें, निराई करें। जैसे निराई कुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी जो है ये बिल्कुल ढीली हो जाती है, जिससे इनके लहसुन के रूट अच्छे से डेवलप होते हैं। और निराई करने से इस तरह की जो घास उगाती है, आप देख सकते हैं ये सब घासें साफ हो जाती हैं। 15-15 दिन पे इसको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। जितनी मिट्टी ढीली होगी उतने बेहतर आपके लहसुन मिलेंगे इसमें। तो इस तरह से निराई गुड़ाई करें। देखिए, इससे नहीं कर सकते हम, इससे जब करेंगे तो तीन है तो पता चला कि एक कट जाएगा तो एक बचेगा। इसलिए इस तरह के हम कोई भी टूल या पेचकस ले लें और घना अगर लहसुन है तो उसके बाद इससे निराई गुड़ाई करें। जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी इसके बना के रखेंगे दोस्तों, उसने अच्छा जो है लहसुन प्राप्त होगा। गुड़ाई करने के बाद इस तरह से अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी है तभी खाद डालने के बाद पानी डालना चाहिए। लहसुन को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसको जो है रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जब मिट्टी बिल्कुल इस तरह से सूख जाए तभी पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, खाद की कमी से भी इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। तो आइए कुछ खाद डाल के बताते हैं कि इसमें और निराई करने के बाद कौन सी खाद दें। ये देखिए, ये है बर्मी कंपोज और इसमें जो है इतने पॉट के लिए बस इतना इसमें हम नीम खली मिला देंगे ताकि रूट फंगस ना हो। और इतना सा सरसों खली का ये पाउडर है। सरसों खली बाज़ार में मिलता है, पाउडर भी मिल जाता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरी तरह से अच्छी से मिलाने के बाद इसमें हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा चारों ओर डाल देंगे। इस खाद को डालने से फ़ायदा ये होगा कि जो ये आपको दिख रहे हैं अभी थोड़ा कमज़ोर, मात्र 5 दिन में ही इसको डाल के खाद पानी डालने के बाद 5 दिन में ही एकदम हरे भरे हो जाएंगे ये। तो आप भी इस तरह से निराई गुड़ाई करें अगर अच्छा लहसुन पाना चाहते हैं, और इस तरह से खाद दें।
स्किप करो। इस तरह से खाद देने के बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे बढ़िया से पानी, और पानी डालने के बाद हमें रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से सूखने लगे तभी पानी डालेंगे। आइए पानी डाल के दिखाते हैं। खूब अच्छे से हम इसमें पानी दे देंगे। अगर इतना करते हैं दोस्तों तो लहसुन की बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी आपको। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि इससे आपको दोस्तों को अच्छी जानकारी मिल सके। एकर इलाज करने को पड़त मार कीड़ा लगा। धन्यवाद दोस्तों।